पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के घर पे कल कुछ लोगों ने हमला किया। इतना ही नहीं, उनके बंगले पर जूते चप्पले भी फेंके गए। उसी का विरोध करने के लिए आज मुंबई से सटे मीरा भाईंदर के भाईंदर गोल्डन नेस्ट पर आज सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उसका विरोध प्रकट किया। अब ये विरोध किस तरह से प्रकट किया, जब हमने यहाँ के जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसूर्य से बात की, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, आइए दिखाते हैं आपको ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। ये जो दिखा रहे हैं कि चप्पल से ये करना है, चप्पल से, चप्पल ही क्या चीज होती है? हाँ, हमारे नेताओं की चप्पल फेंकी जाती है, नेताओं के घरों में आक्रमण किया जाता है। कल आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश का नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उनके रहता घरी यानी उनके निवास स्थान पे जो बेहाड़ तरीके से असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया, उस हमले का निषेध करने के लिए एसटी कामगार के माध्यम से, एसटी कामगार के नाम के नीचे कोई असंगठित तत्व, उन्होंने जो पवार साहब के घर पे जाके हमला किया, उसका निषेध करने के लिए आज का मीरा भाईंदर शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंदोलन रखा गया है, निषेध व्यक्त करते हैं। और उस निषेध के माध्यम से सरकार को, गृह मंत्रालय को हम आह्वान करते हैं कि जिन लोगों ने ये हमला करके लाया, ये हल्ला करके लाया, उसकी कठोर चौकसी होकर उनके सजा होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय जितेंद्र आवार जी के मार्गदर्शन में, परांजपे साहब के निर्देश से, और इधर के हमारे युवा अध्यक्ष साजिद पटेल हो, आदरणीय जनरल सेक्रेटरी मोहन पाटिल साहब हो, महिला अध्यक्ष माइनकर मैडम हो, या स्टूडेंट अध्यक्ष, विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष ओमकार तातोड़े, इन्हीं सभी के नेतृत्व में नीचे आज का निषेध मोर्चा का आयोजन किया गया। आपने स्टेटमेंट सुना होगा, अजीत दादानी गृह मंत्रालय के ऊपर भी आक्षेप लेते हुए उन्होंने बताया कि इस चीज के ऊपर जो बड़ी शक्ति है, कोई चीज है, उसका चौकसी करके उनके ऊपर कार्रवाई। आज हम लोग सर, आज आपके खिलाफ निषेध का आंदोलन कर, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मांग है? हमारा ये बोलना है कि सदा वर के जैसे एक समाज के समाजकंटक वकील जो है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिन्होंने अपनी चेतावनी और भाषा से लोगों नेता के घर पे, यानी इंडिविजुअली घर पे, सरकारी घर पे नहीं, इंडिविजुअली घर पे जाके हमला करने के लिए, और एक आतंकवादी ऐसा जैसा कार्रवाई करने की किया, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और उनके पीछे जो शक्ति है, जो सदावर्ते को चला रहे या सदावर्ते किसी का दलाल बन रहा है, उसके ऊपर, वो दलाल जो बन रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होने के लिए।